देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है जब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के सांसदों का दल कश्मीर के निजी दौरे पर आया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और राज्य के 2 भागों में बंटने के बाद विदेशी सांसदों का पहला दल था जो कश्मीर के हालात का जायजा लेने पहुंचा था। आज फिर अमेरिका, लातिन अमेरिका और अफ्रीका के 17 देशों के राजनयिकों का दल 2 दिन के कश्मीर दौरे पर है। अमेरिका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, उज्बेकिस्तान, नाइजर, नाइजेरिया, मोरक्को, गुयाना, अर्जेंटीना, फिलीपींस, नॉर्वे, मालदीव, फिजी, टोगो, बांग्लादेश, पेरू, ये वो देश हैं जो अगले 2 दिन कश्मीर के हालात को अपनी नजरों से परखेंगे। यू का दल भी कश्मीर जाने वाला था लेकिन कुछ शर्तों की वजह से बात नहीं बनी। रजामंदी के बाद अब ये दल बाद में कश्मीर का दौरा करेगा। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के कई देशों के प्रतिनिधि भी इस दौरे में शामिल होने वाले थे लेकिन व्यस्तता की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। पिछली बार यूरोपीय यूनियन के देशों का जो दल कश्मीर गया था वो निजी यात्रा बताई गई थी लेकिन इस बार का दौरा औपचारिक बताया जा रहा है। 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के हालात से दुनिया को रूबरू कराने की सरकार की ये पहली कोशिश है। विदेशी राजनयिक 2 दिन के दौरे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक विदेशी राजनयिक कश्मीर के स्थानीय नेताओं मुजफ्फर बेग, जफर इकबाल मनहास, नूर मोहम्मद, दिलबार मीर हसन मीर, हाकिम यासीन से मिलेंगे। इन नेताओं को पहले हिरासत में लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। ये दल सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात करेगी। कश्मीर में जैसे हालात सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं, सरकार की कोशिश है कि इस तरह के दौरों के माध्यम से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नष्ट किया जाए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरता रहा है। ऐसे में जब विदेशी राजनयिक कश्मीर में अमन चैन देखेंगे तो पाक दुष्प्रचार को अपने आप जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या विपक्ष इससे संतुष्ट होगा, क्योंकि ये नेता एक बार फिर मुद्दा उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व CM नजरबंद हैं, वहां के नेताओं को खुलेआम जाने की इजाजत नहीं, तो फिर विदेशी राजनयिकों को भेजने का क्या फायदा? मुझे यूरोपियन यूनियन के कश्मीर जाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि अपने देश के MPs को, अपने देश के विपक्ष के नेताओं को ये सरकार जाने नहीं देती, तो विदेश के MPs और विदेश के लीडर्स कैसे जा रहे हैं? और ये अपमान जो भारत के पार्लियामेंट का हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी का है, ये अपमान मुझे नहीं समझता है कि देशवासी इस अपमान को बर्दाश्त कर पाए। निश्चित रूप से सरकार को इसका भी जवाब देना होगा, पर इन सब के बीच कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। धारा 370 के हटने के बाद पहली बार कश्मीर में सियासत की सुगबुगाहट दिखी जब कश्मीर के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिलने गया और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूर्व मंत्री और PDP के वरिष्ठ नेता सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।